नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाना परवीन शान, जानते हैं क्या है खबर। क्रांतिकारी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, रिपोर्ट प्रिया श्रीवास्तव जी। एक ऐसा व्यक्तित्व जो साहित्य जगत के लिए वरदान साबित हुआ, हम बात कर रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, जिनका जन्म भारत के कोलकाता में 7 मई 1861 को देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के पुत्र के रूप में हुआ। वह अपने माता पिता के 14वें संतान थे। एक समृद्ध और शिक्षित ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। पिता की इच्छा थी कि वह वकील बने। कितने ही स्कूल बदल लिए गए, बाद में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों के माध्यम से प्राप्त की और कभी स्कूल नहीं गए। हालांकि कानून की पढ़ाई करने के लिए 1878 में वह इंग्लैंड गए थे, लेकिन बिना पढ़ाई पूरी किए भारत लौट आए, क्योंकि उन्हें एक कवि और लेखक के रूप में आगे बढ़ना था। टैगोर जी का पूरा नाम रविंद्रनाथ ठाकुर था। ठाकुर परिवार उस समय में सबसे अमीर परिवारों में से एक था। अंग्रेजों को ठाकुर उच्चारण करने में कठिनाई होती थी, इसलिए वो टैगोर कहते थे। फिर ठाकुर परिवार टैगोर कहलाने लगा। टैगोर जी के जीवन में प्रेम, राष्ट्र प्रेम, धर्म, परिवार, विवाह, समाज और अध्ययन का समान मिश्रण था। उन्होंने हर किरदार को ईमानदारी से निभाया। 8 वर्ष की उम्र से ही कविता लिखने वाले टैगोर जी की कविताएं सियूडोनिम भानु सिंघो के तहत केवल 16 वर्ष की उम्र में ही प्रकाशित होने लगी थी। इंग्लैंड से लंबी समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने अपने कार्य गीतांजलि को अंग्रेजी में अनुवादित किया। जिस वर्ष गीतांजलि का प्रकाशन हुआ था, उसी वर्ष उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने लेखन में उन्होंने भारतीय संस्कृति की रहस्यवाद और भावनात्मक सुंदरता को दिखाया, जिसके लिए पहली बार किसी गैर पश्चिमी व्यक्ति को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी। एक प्रसिद्ध कवि होने के साथ ही साथ वह एक अच्छे दर्शन शास्त्री थे, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय लोगों की बड़ी संख्या को उन्होंने अपने क्रांतिकारी लेखन से प्रभावित किया। भारतीय साहित्य के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनके रविंद्र संगीत में 2 गीत बहुत प्रसिद्ध हुए, क्योंकि वो 2 देशों के राष्ट्रगान हैं। जनगणमन भारत का राष्ट्रगान है और आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान। जनगणमन को जब राष्ट्रगान बनाया गया, तब उन पर कई तरह के आरोप लगे। उन्हें अंग्रेजों का चाटुकार कहा गया, क्योंकि उसमें लिखे भारत भाग्य विधाता को अंग्रेजों के लिए समझा गया था। बाद में उन्होंने एक पत्र में साफ किया कि कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं होता, ये लाइन ईश्वर के लिए है। अंग्रेजों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो भारत का भाग्य बना सके। उनकी रचनात्मक लेखन, चाहे वो कविता हो या कहानी हो, कोई आज भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। शायद वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने असरदार लेखन से पूरब और पश्चिम के बीच की दूरी को कम कर दिया। आजादी के समय क्रांतिकारी कविताएं लिखकर उन्होंने भारतवासियों के मन में जो क्रांति की ज्वाला जगाई, वो गीत बनकर हर विद्यालय की शोभा बढ़ा रहा है। जैसे हम होंगे कामयाब एक दिन, मन जहां डर से परे है और सिर जहां ऊंचा है, ओ पिता परमेश्वर मेरे देश को जागृत बनाओ, और भी कई कविताएं जिसमें उन्होंने सिर्फ बिना डरे लड़ना और जीत जाने की प्रेरणा दी। वह ईश्वर से रक्षा की भीख नहीं मांगते, वह शक्ति मांगते हैं जिससे जीतने का हौसला मिले। वह अकेले चलने की बात करते हैं, उन्हें जुलूस से कोई उम्मीद नहीं है। अनसुनी करके तेरी बात, ना दे जो कोई तेरा साथ, तो तू ही कसकर अपनी कमर अकेला बढ़ चल आगे रे। अरे ओ पथिक अभागे रे, अकेला बढ़ चल आगे रे। अरे ओ पथिक अभागे रे। वो भीड़ से हटकर चलने की बात करते हैं, सच के लिए लड़ने की बात करते हैं। उनका एक गीत चल अकेला। उन्होंने ऐसी कई कविताएं लिखी जिसे गाने भर से ही इंसान में शक्ति पैदा हो जाती है।
ईश्वर में अथाह विश्वास करने वाले टैगोर ने हमें बिना कुछ मांगे बहुत कुछ दिया, जिसका कर्ज हम शायद कभी चुका नहीं पाएंगे। वो धार्मिक और आध्यात्मिक पुरुष थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में दूसरों की बहुत मदद की। उन्होंने जब शांति निकेतन नाम की एक अनोखी यूनिवर्सिटी की स्थापना की, तब उन्हें वृद्धा अवस्था में काम करना पड़ा था। ये बातें गांधी जी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए 50,000 रुपए की व्यवस्था करवाई थी। उन्हें गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद के साथ कई अन्य नेताओं का इसने भी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहा। भारत की स्वतंत्रता के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले टैगोर आजादी को देखे बिना ही 7 अगस्त 1941 को दुनिया छोड़कर राख हो गए, लेकिन उनके लिखे स्वर्णिम अक्षरों में वह सदा हमारे बीच रहेंगे। आज केवल इतना ही। और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।